इस मजबूत भारत भारत में अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत और हम हर परिस्थितियों में हर उस पे मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं, फिर भी हमें आज भूखे रह के हमें हमसे काम लिया जा रहा है, वो भी पुलिस के कंधा से कंधा मिला के। देखा जा सकता है पूर्ण उत्तर प्रदेश में कि हर पॉइंट, हर जगह, हर सुरक्षा व्यवस्था होमगार्ड के कंधों पर डाल दी गई है और होमगार्ड अपनी ईमानदारी, निष्ठा और ईमानदारी से सेवा कर रहे जनता की। आज हमारा विभाग हर बलों से परेड में उत्तम प्रदर्शन करके दिया है, इसके बावजूद हमारे अधिकारियों को तनिक दया भाव नहीं आया कि हमारे जवान हैं, इनको हक बनता है, इनको हक दिलाया जाए। लेकिन ना दिला के जो और अभी माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय आदेश किया था, उसका भी पालन नहीं किया, देने की तो बात दूर हो। विभाग सुनता नहीं और ये अधिकारी होमगार्ड के सुधरते नहीं, तो ये जिम्मेवारी सरकार की है कि ये होमगार्ड का खून पसीना का पैसा इन होमगार्डों का, मेहनत कसों का ना देकर जो माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उसमें से भी ये लूट घसूट मचाए हुए हैं। मैंने कहा था और पूरे प्रदेश को अवगत कराया था, जिनको मसीहा समझा, जिन मंत्री जी को, वो आज दिखाई पड़ा आप सबको। मैं कहता था कि आप लोगों के लिए कोई घोषणाएं नहीं, आपको 2 रुपया ये नहीं देंगे, वही सामने नतीजा आया। मैं तो जान रहा था, मैं समझ रहा था, लेकिन हमारे होमगार्ड फिर भी समझने वाले नहीं हैं। आज तरह तरह का लालीपाप पाप राज कर्मचारी कर दिए जाएंगे, वो कर दिए जाएंगे, ये कर दिए जाएंगे, ये तो चुनावी माहौल चल रहा तो ये सब लॉलीपॉप दे रहे हैं, इन पे विश्वास न किया जाए। करना विश्वास आप अपने साथ बेईमानी कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ घाट वाला काम कर रहे हैं, उनके साथ भी विश्वासघात आप लोग कर रहे हैं। तो एक एसोसिएशन आपकी हर स्तर से लड़ाई लड़ी है, हर परेशानियों को झेल की लड़ी है, हमने सब कुछ दांव पे लगा दिया, अपना यहाँ तक अपने जान को आहुति देने के लिए तैयार रहे, हुआ भी, लेकिन सच के आगे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। हमने जानलेवा किया, लेकिन सच के साथ इस भी साथ देता है, पूरे प्रदेश के परिवारों का होमगार्ड के आशीर्वाद मेरे साथ था, मुझे साक्षात ईश्वर बचाया, आप लोगों की दुआएं आशीर्वाद बचाया। तो हम आप लोगों को कहेंगे कि आज जो घोषणाएं किए हैं, 12 तारीख होना अच्छा था, 6 दिन लेट स्थापना दिवस मनाया गया, वो भी माननीय मुख्यमंत्री नहीं सोचे। अगर शायद माननीय मुख्यमंत्री अपने घोषणा ही कर देते तो इनको लागू करना पड़ता, लेकिन मुनासिब इन होमगार्ड जवानों का, जो मेहनत कस हैं, जो अंग माना है पुलिस का, उस अंग को नहीं समझे, तो अगर समझे इनकी हम दर्द, तो शायद माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर घोषणा करते, लेकिन ऐसा ना विभाग सलाह दिया, ना मंत्री जी लिखित रूप से दिए कि होमगार्ड आज बराबर काम करने वाले हैं पुलिस से कंधा से कंधा, इनका वही हक अधिकार दिया जाए जो एक कॉन्स्टेबल को दिया जाता है, और इसमें पदोन्नत करने की घोषणा कर देते, सब में पदोन्नत करते जा रहे हैं, लेकिन होमगार्ड विभाग है, ऐसे में अगर कंपनी कमांडर का देहांत होता है ड्यूटी पर, तो उसको भी होमगार्ड ही में भर्ती किया जाता है, मतलब ना कि उस पद पे किया जाता है। ये एक बहुत विलंबना है, और है
कि होमगार्ड जवानों के साथ अन्याय पर अन्याय, ये देखे जो लूट घसूट वैतनिक अवैतनिक कर रहे हैं अधिकारी, और जो कुछ होमगार्ड उनको महीने में पैसा देते हैं वो एक ही जगह पर जमा है, एक ही जगह 200 साल से हैं ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन जिनसे पैसा नहीं जन पा रहे हैं उनको मजबूर किया जा रहा है, उनको कोने कोने लखनऊ शहर के दौड़ाया जा रहा, परेशान किया जा रहा, ऐसी ऐसी जगह ड्यूटी लगा दी जाती है कि 2-4 दिन में अपना पॉइंट ढूंढ पाते हैं, तब तक उनका 2-4 हजार रुपये का नुकसान हो चुका होता। तो मजबूर कर रहे हैं कि आपको मजबूर होके पैसा ये देंगे। तो ये खेल चल रहा, अवैतनिक अधिकारी जो हैं ये ठेकेदार हैं वैतनिक के, वो टेंडर उठाते हैं और ये टेंडर उठाते हैं, लेते हैं, खरीदते हैं, बोली बोलते हैं। ये चल रहा होमगार्ड विभाग में, होमगार्ड विभाग में वो चल रहा, शायद देख करके आप धिक्कार देंगे और थूक देंगे इन अधिकारियों, लेकिन उनको शर्म नाम की चीज अधिकारियों को नहीं है, वो चाहे वैतनिक हो चाहे अवैतनिक हो। आज घोषणा किए हैं तो जो एसी में बैठे हैं अधिकारी उनको पिस्टल के लिए परमिशन दे दिया गया, खरीदने के लिए बजट पास कर दिया, क्योंकि उसमें उसमें अच्छा हमारे अधिकारी और जौन विभाग के हमारे मंत्री हैं उसमें से बहुत कुछ फायदा होगा। तो होमगार्ड कब से, जब होमगार्ड से मिलना नहीं है तो इनके लिए, होमगार्ड फील्ड में रहता है, वर्क करता है, एक एक बड़े बड़े अपराधियों से आमना सामना होता है जिनको वाकई जान का खतरा है और साथ में जनता का भी खतरा है। इनको जायज लोगों को ये पिस्टल नहीं, जिनकी जनता की रखवाली करते हैं और सरकार के हर स्तर पर विभाग की रक्षा करते हैं, तो देना तो इनको चाहिए पिस्टल। उनको गाड़ी भी दे दिए, ईंधन भी दे दिए, पिस्टल भी दे दिए, जो एसी में मौज कर रहे हैं इनके कौन सा डर है, वो अपनी घर की रखवाली के लिए दे दिए हैं। तो इतना मेहरबान हमारे मंत्री जी हैं कि होमगार्ड के बिल्कुल देखना नहीं चाहते और पूरा फायदा वैतनिक, जिनके हाथ में लड्डू दोनों हाथों में उन्हीं का लड्डू और पकड़ा जा, और जो बेचारे भूखे पड़े हैं उनकी भूखी आत्माएं करह रही हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं। महान वही पुरुष कहलाया जाता, चाहे अधिकारी हो चाहे वो सरकार का प्रतिनिधि हो, महान वही कहलाया जाता है जो गरीबों का मसीहा हो। पहले तो माने कि हमारे मंत्री धर्मवीर साहब बहुत होमगार्ड के मसीहा बन के आए, लेकिन मसीहा नहीं, कुछ और ही देखने को मिल रहा, क्या कहा जाए। तो इनके हाथ में पावर है, इनके पास सब कुछ हो, जो कहेंगे माननीय मंत्री वो होगा, वो होमगार्ड की बात रखते नहीं, लेकिन होमगार्ड हमारे इतने निकम्मे हैं कि अपनी ये सोशल जिसने सर्वस्व लुटा दिया वहां पर न आते हैं, न साथ देते हैं, न सहयोग देते हैं, जहां से मिला है और मिल आगे और मिलेगा वहां आते हैं। पहले मैंने कह दिया था आपको एक रुपया एक पाई नहीं ये देने देंगे मंत्री जी, और वही हुआ सामने, मैं जान रहा था। तो किस पे आप विश्वास करते हो, और जो आपका दिन रात चिल्ला रहा, आपकी लड़ाई लड़ रहा, आपकी वकीलों के द्वारा लड़ाई लड़, आपकी मीडिया के द्वारा लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके हक अधिकार के लिए हर समय तैयार बैठा, ये प्रदेश अध्यक्ष हो होमगार्ड एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, वहां पर आप लोग आना नहीं चाहते, हर माह की 15 तारीख की बैठक होती, कम से कम वहां ये अपने जिले जिले की रखिए, क्या परेशानी है, कमांडेंट से है, बीओ से है, निरीक्षक से है, किससे है, कि आवेदनिक अधिकारी से आपके साथ क्या शोषण या अच्छा हो रहा, उसको लिखित रूप दीजिए ताकि हम भारत सरकार तक और राज्य सरकार लेके भारत सरकार राष्ट्रपति तक भेज सके। तो आप लोग दिखाई नहीं पड़ो, ये डर तुम्हें बर्बाद कर दे, बर्बाद करके छोड़ेगा तुम्हें, तुम तो बर्बाद है, तो हम लोग तुम्हारी भविष्य बनाने सुधारने किया है, अपने बच्चों की भविष्य आप बिल्कुल चौपट कर रहे हो।
ये विभाग देने वाला नहीं, मिलेगा तो वो कानून से मिलेगा। कानून पर विश्वास करिए, कानून का पलड़ा बराबर होता, वो सबको बराबर देखता है, बराबर हक देता है, तो आप वहाँ पर आना नहीं चाहते, वहाँ पर सहयोग नहीं करना चाहते हैं। तो झेलो ये किल्लत। बहुत लोग प्रदेश में हैं जिनकी अभी तक एरियर नहीं दिया गया है, इससे शर्मनायक और क्या हो सकता है। किन होमगार्ड जवानों का मेहनत का पैसा इनका होता तो कब का ले लेते होते वैतनिक अधिकारी, लेकिन होमगार्ड का पैसा बहुत इसमें लूट हुई है, बहुत इसमें गलत हुआ है। जिसको 10 रुपया मिलना चाहिए उसको 5 रुपया दिया गया। अभी मैंने पकड़ा है एक लेडी सेवानिवृत्त हुई, उसका पैसा 56,000 दिया था, कहा तुम्हारा पैसा मिल, मैंने स्टेटमेंट निकलवाया और उसका 2,30,000 रुपया बना और दिया गया। ये लखनऊ की बात कर रहा हूँ, प्रदेश और छोटे जिले तो बहुत ही इसमें दोहन हुआ है एरियर में, और वो भी हमारा माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय एक मिनिमम कांस्टेबल का वेतन जो रनरूट होता भर्ती हो वो 21,700 था, वो सब दिए हैं 18, फॉलोअर का 19,000 है, मजदूर वाला पैसा दिया है। तो वो ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं कहा है, साफ कहा पुलिस कांस्टेबल का वेतन। फिर हम हाई कोर्ट गए जिसकी रीड संख्या पटिशन संख्या A55 रीड A55/80/2021 जिसमें काउंटर रिजवाइंडर सब लग गया, अब डेट लगने जाती जा रही है और बहुत हाल ही फैसला इसका आएगा। और तुम्हें अभी मैंने वेतन ग्रेड जो 2200 है वो दे, 7वां वेतन आयोग जो पुलिस का लाग वो दे, और सारे भत्ता देना पड़ेगा, और फिर जो पैसा 21,700 वो लगाए जो 2,3,700 कम दिए वो 16 से लगाएं, और पूरा सब लगा के फिर आपका ये एरियर बनेगा कैलकुलेटर करके, आपको 4-4, 5-5 लाख रुपया और एरियर मिलेगा और करीब 37,500 रुपये आपकी वेतन हो जाएगा। और इसके बाद जब महंगाई भत्ता लगेगा इसके बाद, तो आपका लगेगा कि आज ये एसोसिएशन क्या किया, इतना फायदा आपका, दो तीन तुमको महंगाई तो मिलनी है। मंत्री दें उनके हाथों तर हम नहीं देखना चाहते, हम उन पे नहीं जी रहे हैं, हम कानून से लिया है और कानून ही, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ और वकीलों को धन्यवाद देता हूँ, मीडिया को धन्यवाद देता हूँ जो आपको आगे बढ़ के इतने ऊंचे पहुँचाने का कार्य एसोसिएशन से लेके ये लोग किए हैं। और माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय को मैं अभिनंदन वंदन धन्यवाद देता हूँ हृदय से। तो ये कोई लायक नहीं इनका धन्यवाद दिया जाए, ये अपनी वोट के लिए क्या क्या झूठ बोल दें। भगवान का ये काली ड्रेस जो दी गई है न्याय के लिए दी गई है, मीडिया कोई गलत दूसरे को लूट ना पाए, अन्याय ना हो पाए, इसके लिए है। और ये सफेद ड्रेस नेताओं की दी गई है, ये सफेद क्यों हो, इसमें काला धब्बा ना लग पाए, तो अब तो नेताओं में काले ही काले धब्बे लगे हैं। ये अपने लिए तुम्हारे लिए नहीं, ये अपने घर और परिवार के बनाने के लिए आते हैं, ये देश हित के नेता नहीं है। ये देश हित के नेता वो थे जैसे बाबा साहब और राजनारायण चौधरी चरण सिंह और राजेंद्र शास्त्री साहब, ये नेता देश नेता थे। इनके आज घर देख लो उसी तरीके से मिट्टी के बने हुए हैं, वो लूटे नहीं, देश को मजबूत बनाए, मजबूत बना आगे लाए, और वो आगे करके आज उन्हीं की कमाई को ये नेता देश के लूट रहे। जब वो चुनाव लड़ता है तो हवाई चप्पल पहन कर आता है, और जब वो बन जाता है तो एक महीने के बाद देखिए 20,000 जूते और लग्जरी गाड़ियां बंगला ये वो तैयार, कहां से तैयार, जनता की लूटी कमाई है। और ये भी तो सेवा निष्काम सेवा के लिए देश के लिए लगाए गए, तो इनको सब क्यों दिया जा रहा है, इनको पूरी फैसिलिटीज, या विदेश देश जाए वो भी फोन का पैसा और यात्रा भत्ता, ये भत्ता, हवाई जहाज फ्री किरा सब कुछ फ्री है, और 3 पुस्तों तक इनका फ्री का सब मिलता है, तो इनको क्यों दिया जा रहा है। ये होमगार्ड जो
8 घंटे खून पसीना, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे महामारी हो, उससे आपको अपने पॉइंट पर वो खड़ा दिखाई देता है निष्ठापूर्वक ईमानदार। उसके साथ भेदभाव यूं क्यों? तो मेरा यही कहना है कि ये मंत्री आपके नहीं है, वैतनिक के हैं। मंत्री साहब आपके नहीं है, अब तो देख लिया, अब तो विश्वास आना चाहिए। और एसोसिएशन हर महीने की 15 तारीख को प्रदेश लेवल की बैठक बुलाई जाती है, उसमें तो आप लोगों को आना चाहिए। नहीं आते तो सहयोग तो करना चाहिए, सहयोग न करो तो टांग तो मत खींचो। तो तुम्हारा मिले तो बहुत कुछ। आज देखिए सनासी में पुलिस और मास्टरों का 1 रुपये एक फर्क था, आज उनका संघ होने के साथ, क्योंकि पूरे तरीके साथ दिया कर्मचारियों ने, आज दुगने तिगुने ज्यादा पैसा ये पुलिस से ज्यादा मास्टरों का है। तो ये संघ की देन है, एसोसिएशन गुण की देन है लड़ाई। और जब तक कोई बात अपनी नहीं रखोगे तब तक तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं। तो मैं कहता हूं जिस दिन आप मेरी आवाज बन जाएंगे, मीडिया की आवाज बन जाएंगे, अपना डर और दूर कर देंगे, उस दिन तुम्हारा माइक लाल कोई पैदा नहीं कि तुम्हारे साथ अन्याय कर दे और अपने हक अधिकार से वंचित भी नहीं रह सकते हो। स्वतः इनको दे, और वो आ जाएगा दिन, इतना पैसा करा दूंगा कि इनको मजबूर होके आप लोगों को राज कर्मचारी मानना पड़ेगा और आपको आउट डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर होगा, इतना और राज कर्मचारी भी हो जाएंगे। जो भविष्य बनाना चाहते हो अपना और अपने बच्चों का, तो फिर आइए सात कदम से कदम मिलाइए हमारे। मैं आपसे 10 कदम आगे मिलूंगा हर जगह। मैं न बिका हूं, ना झुका हूं, ना इनसे डरा हूं, बताऊं। लेकिन इन पे भरोसा मत करिए, मत करिए सरकार और इन अधिकारियों पर होगा और ये अवैतनिक अधिकारियों पर। एक अगर है तुम्हें बनाने और संवारने का, वो एसोसिएशन साथ आइए। मैं इन्हीं बात के साथ अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।